कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। उदयपुर नाम के राज्य में राजा वीरसेन राज्य करता था। वीरसेन बहुत ही साहसी किस्म का राजा था। उसे एक राजकन्या थी जिसका नाम था हेमलता। राजकन्या दिखने में बहुत ही सुंदर थी मगर उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। वो मन में जो ठानती वो पूरा होने तक वो चुप नहीं बैठती थी। एक दिन हेमलता को पता चलता है कि उदयपुर राज्य के दक्षिण दिशा की ओर एक बहुत ही सुंदर बाग है जो कि बहुत कल्पकता से बनाई हुई है। हेमलता अपने पिता के पास जाती है और बहुत प्यार से उन्हें पूछती है, पिताजी मुझे आज एक सुंदर बाग के बारे में पता चला है जो दक्षिण दिशा के पहाड़ी पर है, मुझे वो बाग देखनी है। राजकुमारी आप वहाँ नहीं जा सकती और मैं आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकता। मगर क्या हुआ पिताजी, आप मुझे वहाँ जाने से मना क्यों कर रहे हैं? राजकुमारी वो पहाड़ भूतों से भरा हुआ है। मैं आपके लिए वैसी ही बाग हमारे राजमहल में बनवा दूंगा, आप जैसी चाहे वैसी बनाएंगे, मगर मैं आपको वहाँ जाने की अनुमति नहीं दे सकता। नहीं पिताजी, मुझे वही पहाड़ की बाग देखनी है। राजकुमारी की जिद देखकर राजा भी कुछ न कर सके और राजकुमारी को जाने की इजाजत दे दी। राजकुमारी आप उस पहाड़ी पर जाओगी मगर शाम होने से पहले आपको उस पहाड़ी से नीचे उतरना है। वह पहाड़ी पर भूत रहते हैं, आपको वहाँ पर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। अगर आप शाम होने से पूर्व उस पहाड़ी से नहीं उतरी तो अनर्थ हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगी, शाम होने से पहले ही पहाड़ी से नीचे उतरूंगी। ठीक है, सैनिकों मांत्रिक को बुलाया जाए। महाराज आपने बुलाया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आओ मांत्रिक, राजकुमारी भूतों वाली पहाड़ी पर जाना चाहती है, आप उसे उसके संरक्षण के लिए कुछ दीजिए। हाँ महाराज अवश्य। ऐसा कहके मांत्रिक हाथ में काला धागा लेके कुछ मंत्र बोलता है और वो धागा राजकुमारी के गले में बांधने के लिए देता है। जब तक ये धागा राजकुमारी के गले में है तब तक भूत उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते। धन्यवाद मांत्रिक जी। राजकुमारी अब बहुत ही उत्सुक होती है, वो रात को ही पहाड़ी पर जाने की तैयारी कर लेती है। सुबह जल्दी उठकर वो निकलती है। सफर बहुत लंबा होने के कारण उसे 3 से 4 घंटे लगते हैं। राजकुमारी अब पहाड़ के पास पहुंचती है, अपना घोड़ा नीचे पेड़ से बांधकर वो पहाड़ पर चढ़ने लगती है। पहाड़ के बीचों बीच आकर उसे दाई तरफ एक अद्भुत और सुंदरता से भरी बाग दिखाई देती है। राजकुमारी मंत्रमुग्ध होकर उस बाग को देखने लगती है, उसे वो बाग बहुत अच्छी लगती है। तभी जोर से हवा का झोंका आता है और वो नीचे गिर जाती है। उठ के देखती है तो उसके गले का काला धागा कहीं गिर जाता है, वो थोड़ी डर जाती है। अब वो आगे बढ़ती है तो उसे एक सफेद रंग का खरगोश दिखाई देता है जिसकी आंखें सुनहरे रंग की है। वो बहुत ही सुंदर था इसीलिए राजकुमारी ने उसे पकड़ा और गोद में उठा लिया। वो उसे हाथ से सहलाने लगी। क्यों रे शैतान, कहाँ भाग रहा था, अब पकड़ ही लिया ना। खरगोश से बात करते करते उसका समय पर ध्यान ही नहीं रहा। शाम होने को आई और उसे पहाड़ी से नीचे भी उतरना था, तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा भूत आके खड़ा हो गया। वो जोर जोर से गुर्राने लगा। हेमलता जोर से चिल्लाई और उसके हाथों में जो खरगोश था वो बड़े चूहे में बदल गया था। उसे देख के वो डर गई, उसने उस चूहे को फेंक दिया। भूत को देख के वो बेहोश हो गई और जब होश आया तो वो एक अंधेरी गुफा में कैद थी, वहाँ कोई नहीं था। वो जोर जोर से रोने लगी और उसके पिताजी की बात ना मानने पर पछतावा करने लगी। वहाँ दूसरी ओर महाराज चिंता में डूब गए। शाम हो गई मगर राजकुमारी अब तक महल नहीं लौटी थी। दूसरा दिन निकलता है फिर भी राजकुमारी का कोई पता नहीं होता। तभी महाराज अपने कुछ विशेष सैनिकों को राजकुमारी की खोज में भेजते हैं। सैनिक उस पहाड़ी के पास जाते हैं मगर उनमें से कोई भी पहाड़ पर जाने की हिम्मत नहीं करता। राजकुमारी वहाँ ना दिखने की वजह से हताश होकर वो राज्य में लौट आते हैं। राजा उन्हें खाली हाथ आते देख बहुत विचलित होता है और एक फरमान निकालता है, जो भी राजकुमारी को ढूंढ के लाएगा उसे उदयपुर का आधा राज्य दिया जाएगा। ये फरमान सारे गांव में भेजा जाता है मगर जो भी पहाड़ के पास जाता वो निराश होकर लौट आता था। उधर राजकुमारी अपने पिताजी की और राजकुमार सारंग की याद निकालकर रो रही थी। राजकुमार सारंग दूसरे राज्य का राजकुमार था, दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। गुफा में राजकुमारी को रोता देख वहाँ एक बूढ़ा खरगोश आता है। राजकुमारी रोइए मत, कुछ भी नहीं होगा और यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना वरना भूत तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर राजकुमारी डर जाती है और किसी के आने का इंतजार करने लगती है। अब राजकुमार सारंग भी राजकुमारी की तलाश में पहाड़ी पर चला जाता है मगर वो भी वापस नहीं आता।
ये सब देखकर महाराज चिंतित और दुखी हो जाते हैं। रानी तो ये खबर सुन के अन्न त्याग कर देती है। एक दिन चित्रवीर नाम का एक नौजवान लड़का महल में आता है और महाराज से कहता है, महाराज मैं उस भूतिया पहाड़ी पर जाकर राजकुमारी को खोजना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ये सब सुनकर महाराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसे जाने की आज्ञा देते हैं। चित्रवीर उस पहाड़ी के पास आता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि राजकुमारी को भूतों से कैसे छुड़ाए। वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे राजकुमारी और राजकुमार का घोड़ा पेड़ से बंधा हुआ दिखाई देता है। वही पास वाली शिला पर एक साधु ध्यान में मग्न होते हैं। चित्रवीर वहां जाकर उनके सामने हाथ जोड़ के बैठता है। साधु आंखें खोलते हैं। प्रणाम बाबा, मुझे इस पहाड़ी पर जो राजकुमारी कैद है उसे छुड़ाना है। अगर आप मेरी कुछ सहायता कर सके तो बहुत कृपा होगी। अच्छा तो ये बात है, मैं सारी बात समझ गया हूँ। तुम ऐसा करो, पहाड़ पर चढ़ते हुए जाओ। पहाड़ी के बीचों बीच जो सुंदर बाग दिखाई देगी वो मन को बहुत लुभाने वाली होगी। तुम्हें वहां नहीं जाना है, उसी रास्ते से आगे चल के भूतों की गुफा के पास तुम्हें जाना है। वहां जाते ही अपनी आंखों में ये लेंस डाल लेना। ये लगाने से तुम किसी को भी नहीं दिखाई दोगे। बाद में तुम राजकुमारी को अपने कंधे पर बिठा के गुफा के बाहर लेके आना। राजकुमारी को गुफा में ना पाकर भूत बाहर आके तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम दोनों जोर से दौड़ना और अगर भूत ने पकड़ लिया तो राजकुमारी को नृत्य करने कहना। राजकुमारी का नृत्य देखकर भूत विचलित हो जाएंगे। तभी तुम ये राख उन पर फूंक देना, भूत भस्म हो जाएंगे। साधु ऐसा कहके उसे लेंस की डिब्बी देते हैं और बाद में मंत्र जाप कर एक भस्म की पुड़िया देते हैं। चित्रवीर साधु को प्रणाम करके पहाड़ पर चढ़ने निकलता है। पहाड़ के बीचों बीच की बाग बहुत मनोरंजक तथा नयन रम्य होती है। उसे वहां जाने की बहुत इच्छा होती है मगर वो वहां नहीं जाता और आगे चलने लगता है। रुको चित्रवीर, मैं राजकुमार सारंग हूँ। कहाँ हो आप? मैं यहाँ हूँ, इस शिला में। यहाँ भूतों ने मुझे शिला बनाकर छोड़ दिया है। मैं भी राजकुमारी की तलाश में यहाँ आया था। ये सब सुनकर चित्रवीर डर जाता है मगर हिम्मत जुटा के आगे बढ़ता है। आगे उसे भूतों की गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के पास आते ही चित्रवीर अपने आंखों में वो लेंस डाल लेता है और गुफा के अंदर प्रवेश करता है। उस गुफा के एक कमरे में राजकुमारी बैठी हुई दिखाई देती है। चित्रवीर उसके पास जाता है और राजकुमारी को सब बता देता है। राजकुमारी भी अब चित्रवीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी अब चित्रवीर के कंधे पर बैठ जाती है और वे दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं। भूतों को इसकी भनक लग जाती है और राजकुमारी गुफा में नहीं है। ये देख भूत बाहर निकलकर चित्रवीर और राजकुमारी का पीछा करने लगते हैं। राजकुमारी और चित्रवीर अब जोर जोर से भागने लगते हैं। तभी भूत उनके सामने खड़े हो जाते हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें होती है। चित्रवीर सारंग की पड़ी हुई तलवार लेके भूतों से युद्ध करने लगता है। राजकुमारी अब आप नृत्य कीजिए। राजकुमारी नृत्य करने लगती है और सभी भूत उसका नृत्य देखने में तल्लीन हो जाते हैं। चित्रवीर अपने पास की पुड़िया खोलकर उसमें से भस्म निकालता है और भूतों के ऊपर फूंकता है। भस्म फूंकते ही बहुत बड़ा धुआं निकलता है और वो सारे भूत गायब हो जाते हैं। अब राजकुमारी और चित्रवीर पहाड़ से नीचे उतरते हैं। शाबाश चित्रवीर, तुमने राजकुमारी को भूतों से छुड़वा लिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। चित्रवीर अपने पास का भस्म हाथों में लेकर उस शिला पर फूंकता है। तभी राजकुमार शिला से मुक्त हो जाता है। अब वे तीनों पहाड़ से नीचे आते हैं और साधु को धन्यवाद देते हैं। चित्रवीर वह भस्म साधु को वापस कर देता है और उनका आशीर्वाद लेकर वहां से निकलता है। अब तीनों राज्य में पहुंच जाते हैं। सारे प्रजाजन और महाराज चित्रवीर से बहुत खुश है। चित्रवीर, तुमने तुम्हारा वचन पूरा किया, हम बहुत खुश है। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज, राजकुमार सारंग और राजकुमारी हेमलता का विवाह कर दिया जाए, वे एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं। चित्रवीर को दक्षिण का आधा राज्य दिया जाएगा, आज से दक्षिण उदयपुर का राजा चित्रवीर है। अब सारे प्रजाजन बहुत खुश हो जाते हैं और महाराज खुशी खुशी राजकुमारी का विवाह राजकुमार सारंग से कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमसे बड़ों की बातों को अनसुना नहीं करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। बंदरबाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर लोग किसान ही थे जो खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे। गांव वैसे तो बड़ा ही शांत और सुंदर था और गांव के लोग भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। उस गांव में सिर्फ एक ही समस्या थी, गांव में बंदरों की टोलियां बहुत ही ज्यादा उद्यम मचाया करती थी। गांव वाले इन बंदरों से बड़े परेशान हो गए थे।
वो दिन भर गांव में यहाँ वहाँ उछलते कूदते रहते, कभी किसी के घरों में घुस जाते और वहाँ की चीजें उलट पुलट कर रख देते। दिन भर गांव में इन बंदरों की टोलियाँ घूमती रहती। इतना ही नहीं, रात को भी ये बंदर चीखते चिल्लाते और घरों की छतों पर लंबी लंबी छलांगे लगाया करते। गांव वालों की तो नींद ही हराम हो गई थी। एक दिन उस गांव में एक सौदागर आया। यह सौदागर खुद को बंदरों का सौदागर कहा करता था। आते ही उसने गांव में एक ऐलान कर दिया, सुनिए गांव वालों, मैं एक सौदागर हूँ, बंदरों का सौदागर। मैं आप लोगों से एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि यह सौदा आप सबके लिए फायदेमंद साबित होगा। कैसा सौदा भाई, जरा खुल के बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ जी। मैंने देखा है कि इस गांव में बंदरों ने बड़ा उद्यम मचाया है, इस बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नेकी और पूछ पूछ, हमें सौदा मंजूर है। अरे भाई पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो सौदा ये होगा कि आप लोग बंदरों को पकड़ के मुझे लाके दोगे और मैं हर एक बंदर के पीछे आपको 10 रुपए दे दिया करूंगा। बंदरों को पकड़ने के 10 रुपए? अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहा था ना मैंने कि ये सौदा आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको पैसे भी मिलेंगे और इस गांव में बंदरों ने जो उद्यम मचाया है वो भी कम हो जाएगा। और फिर क्या, दूसरे ही दिन से सारे गांव वाले हाथ धो के बंदरों के पीछे पड़ गए। अपना काम धाम छोड़ के वे सब अब बंदरों को पकड़ने का काम करने लगे। सबको 10 रुपए जो कमाने थे। धीरे धीरे गांव में बंदरों की संख्या कम होने लगी और गांव वालों को बंदरों को पकड़ना मुश्किल होने लगा। बंदरों की संख्या घटते ही गांव वालों का उत्साह भी कम होने लगा। लेकिन सौदागर ने अब फिर एक नया ऐलान किया। वो हर एक बंदर के पीछे गांव वालों को 20 रुपए देने के लिए तैयार था। फिर क्या, गांव वालों का उत्साह फिर से बढ़ गया। वो बंदरों को चुन चुन के पकड़ने लगे, उन्हें 20 रुपए जो मिल रहे थे। लेकिन आखिरकार गांव के सारे बंदर अब पकड़े जा चुके थे। गांव में एक भी बंदर अब ढूंढने से भी ना मिलता था। तभी सौदागर ने फिर से एक नया ऐलान किया। वो अब गांव वालों को हर एक बंदर के पीछे 30 रुपए देने के लिए तैयार था। अब गांव वाले 30 रुपए की लालच में आकर जंगल में जाकर बंदरों को पकड़ने लगे। लेकिन थोड़े ही दिनों में जंगल के बंदर भी साफ हो गए। सौदागर ने अपना दाम फिर से बढ़ाया। वो अब हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए देने के लिए तैयार था। सौदागर ने अपना कारोबार अपने एक दोस्त के हाथों में सौंपा और वो खुद कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव व्यापार के लिए चला गया। यहाँ पर गांव वाले बड़े परेशान हो गए थे कि आखिर वो बंदर पकड़ के लाए तो लाए कहाँ से। हर एक बंदर के पीछे 50 रुपए, ये एक भारी कीमत थी। वे सब इस बात पर सोच ही रहे थे कि उस सौदागर के दोस्त ने गांव वालों के सामने एक बड़ा ही अजीब प्रस्ताव रखा। सुनिए गांव वालों, आप सभी मुझसे 40 रुपए में बंदर खरीद लीजिए और सौदागर के लौटते ही उसे वही बंदर 50 रुपए में बेच दीजिए। इससे आपका फायदा भी होगा और आपको बंदरों को पकड़ने की झिकझिक भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना? ये सौदा अजीब तो था लेकिन फायदेमंद था। सभी गांव वाले अब बंदरों को खरीदने के लिए दौड़ पड़े। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बंदर खरीदना चाहते थे ताकि आगे जाके उन्हें ज्यादा मुनाफा मिले। बंदरों के खरीदने की बोली पर अब गांव में झगड़े भी होने लगे। बंदरबाड़ी का वातावरण अब ईर्ष्या और झगड़े से प्रदूषित हो गया था। जल्द ही वो सारे बंदर लोगों ने खरीद लिए और वे सौदागर के लौटने का इंतजार करने लगे। उसी रात सौदागर के दोस्त ने अपना सारा सामान समेट लिया और वो उस गांव को छोड़ के चला गया। उस दिन के बाद ना ही वो सौदागर उस गांव में लौट के आया और ना ही उसका वो दोस्त। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास बड़ी देरी से हुआ। सौदागर और उसके दोस्त ने मिलके बंदरबाड़ी के गांव वालों को चूना लगाया था। उन दोनों ने बड़ी चालाकी से वही बंदर गांव वालों को बेच दिए थे जिनसे वे छुटकारा पाना चाहते थे। बंदरबाड़ी में अब लोग कम और बंदर ज्यादा दिखाई देते थे। आखिर यूं ही उस गांव का नाम बंदरबाड़ी थोड़ी ही ना पड़ा है। पता नहीं वो सौदागर और उसका दोस्त अब कहां पर है। बंदरबाड़ी के लोग उन्हें आज भी ढूंढ रहे हैं। कहीं आपको नजर आए तो बताइएगा जरूर। आइए आइए, भोला की मशहूर पानीपुरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी। आइए आइए आइए, भोला की मशहूर। ये है भोला पानीपुरी वाला, जिसका गांव में एक पानीपुरी का ठेला है
जिसमें हमेशा यही विज्ञापन बजते रहता है। शाम के वक्त भोला के ठेले पर बहुत भीड़ रहती है। भैया मुझे तीखी, मुझे मीडियम और मुझे मीठी। भोला सभी ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार पानी पूरी खिलाया करता था। रात को 9 बजे भोला अपना ठेला बंद किया करता था और वही बैठकर दिन की कमाई का हिसाब लगाया करता था। आज बिकी 100 प्लेटें पानी पूरी, मतलब आज की कमाई हुई 1000 रुपए और खर्चा हुआ 300 रुपए। दिन ब दिन अपनी बढ़ती कमाई देखकर भोला बहुत खुश था। हर बीते दिन के साथ भोला का व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अब वो अकेला इतने सारे ग्राहकों को नहीं संभाल सकता था। भैया मुझे तीखा। मुझे भी तीखा। मुझे भी। अब भोला को लगने लगा कि उसे कोई सहायक रख लेना चाहिए। अगले दिन जब भोला अपना ठेला लगा रहा था तो उसका दोस्त कृष्णा उसके पास आया। तो भाई भोला, क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया, तू बता। बस वही काम ढूंढ रहा हूँ। बहुत सही समय पर आया है तू। मैं अपनी मदद के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूँ। अरे वाह, तो मैं हूँ ना तेरा सहायक। भोला को अपना सहायक मिल गया और कृष्णा को अपनी नौकरी। उसी दिन से कृष्णा भोला की मदद करने लगा। अब जब भी भीड़ होती तो भोला को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कृष्णा उसकी मदद किया करता था। वे दोनों सारा काम साथ में करने लगे और हमेशा की तरह आज भी ठेला बंद करने के बाद भोला हिसाब लगाने लगा। आज कुल 180 प्लेटें पानी पूरी बिकी, मतलब 1800 रुपए। खर्चा हुआ 400 रुपए, पूरे 1400 रुपए का मुनाफा। अच्छा है, ये लो भाई कृष्णा, तुम्हारे 300 रुपए। अगले कुछ दिनों तक कृष्णा ने भोला के साथ काम किया और भोला उसे उसकी मजदूरी दे दिया करता था। पर भोला का मुनाफा देखकर कृष्णा को जलन होने लगी। एक सुबह कृष्णा हिसाब करने बैठा। एक दिन के 300 रुपए, पिछले एक महीने में मैंने 9000 रुपए कमाए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन भोला रोज का 1200 रुपए मुनाफा कमाता है। इस हिसाब से वो 36000 रुपए कमाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। कृष्णा सोचने लगा कि कैसे वो भी भोला की तरह ज्यादा पैसे कमाए। अगर मैं भी पानी पूरी का ठेला लगाऊं तो? और बस तब से कृष्णा भोला के पीछे लग गया। भाई, ये ठेला लगाने में तो बहुत ज्यादा पैसे लगे होंगे ना, तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? ज्यादा नहीं, बस 3000 लगे थे और उसके लिए मैंने अपनी माँ के कंगन गिरवी रखे थे। भोला कृष्णा को अपना दोस्त समझकर सब कुछ बताता रहा। अगले दिन, भाई मैं सोच रहा हूँ अगर तुम मुझे सामान कहाँ मिलता है ये बता देते तो रोज मैं सामान ले आता, तुम्हारा भार कम हो जाता। हाँ क्यों नहीं कृष्णा। भोला को कृष्णा पर पूरा विश्वास था। भोला उसे अपने साथ बाजार ले गया और उसे सब दुकानें बताई जहाँ से वो सामान खरीदता था। कुछ दिन बाद, अब मुझे हर चीज पता है और मेरे पास पैसे भी है, यही सही समय है अपना ठेला डालने का। और अगले दिन भोला के बगल में एक और पानीपुरी की गाड़ी खुली। कृष्णा की मजेदार पानीपुरी, आइए चखिए नए जमाने की नई पानीपुरी। कृष्णा का ठेला देखकर भोला दंग रह गया। तूने मेरे साथ धोखा किया? मैंने कोई धोखा नहीं किया, ये दुनिया का दस्तूर है। चेला कभी ना कभी गुरु पर भारी पड़ता ही है। मैं ही मूर्ख था जो तुझे अपना दोस्त समझ बैठा था। अब गांव में एक साथ दो दो विज्ञापन सुनाई देने लगे। आइए आइए, भोला की मशहूर पानी पूरी खाइए, खट्टी मीठी तीखी, आइए आइए आइए। कृष्णा की मजेदार पानी पूरी, आइए चखिए नए जमाने की नई पानी पूरी। और इस वजह से भोला के ग्राहक भी कम हो गए। उसके आधे ग्राहक कृष्णा के ठेले पर जाने लगे। मुझे तीखी चाहिए। इतनी बस या और तीखी? और बेचारा भोला ऐसी परिस्थिति में था कि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि भोला ने खुद आस्तीन में सांप पाला था।